So very good morning to all. This is the second lecture of metal and non-metal. ये lecture में हम पढ़ेंगे that is chemical property of metal. Chemical property of metal. तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देखिए, जब कोई metal oxygen के साथ reaction करेगा तो हमको क्या मिलेगा? अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगा? अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगा? अगर मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो बस ये कुछ थोड़े थे. That is a metal reacts with oxygen, metal reacts with water, reaction with acid and reaction with base. So these are some chemical properties of metal. तो सबसे पहले metal reacts with oxygen. कोई भी आप एक metal ले लो, मैंने यहाँ पे magnesium लिया है. अगर magnesium को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर मैं कैल्शियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड. इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मिलेगा मेटल ऑक्साइड. क्लियर? देन मेटल प्लस वाटर. देखो, कोई भी आप एक मेटल ले लो, मैंने यहाँ पे पोटेशियम लिया है. अगर पोटेशियम को आप वाटर में और वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमको मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा और कुछ हीट भी मिलेगा. अगर सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. Na होता है सोडियम और OH होता है हाइड्रोक्साइड. उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा और कुछ हीट भी मिलेगा. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, उसके साथ हाइड्रोजन गैस और कुछ हीट. ठीक है, नेक्स्ट आएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड. तो याद रखिए, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा हमको मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं. मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया है, मैग्नीशियम मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को उठा के उसकी जगह पे ये खुद बैठ जाएगा तो हमको मिल जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हमको हाइड्रोजन गैस बाहर मिल जाएगा. अगर मैंने यहाँ पे मान लो सोडियम लिया है और यहाँ पे लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा, उसकी जगह वो खुद चिपक जाएगा तो मुझे मिल जाएगा सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुझे बाहर मिल जाएगा. क्लियर? Then come to reaction of metal with base. So अगर कोई metal base के साथ reaction करेगा तो हमको मिलेगा वही salt और उसके साथ hydrogen gas. ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लो कि aluminium लिया है, aluminium एक metal है और मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है. ये एक बेस होता है, बेस का मतलब अगर इसको आप टेस्ट करोगे तो ये आपको
बिटर टेस्ट देता, बिटर। अगर एसिड होता तो आपको सोर टेस्ट देता, क्लियर। तो यहां पे हमको मिलेगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस, क्लियर। अगर मान लो मैंने यहाँ पे जिंक मेटल लिया होता, जिंक इसका रिएक्शन में करवाता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मुझे रिएक्शन में क्या मिलता, Na2ZnO2, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस भी मुझे मिल जाता, क्लियर। सो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सो आई होप यू विल डेफिनेटली क्लियर ऑफ विद दिस, और जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसके थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।